नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे PTT एग्जाम 2020 की सेकंड शिफ्ट 16 सितंबर 2020 के पेपर में आए आंसर की के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि राफेल कौन सा देश निर्मित करता है, तो राफेल का जो निर्माण है वो दोस्तों फ्रांस कंट्री में होता है। इसका सही उत्तर होगा आपके फ्रांस। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वीर विनोद के लेखक कौन है, तो वीर विनोद के जो ग्रंथ के लेखक हैं वो हैं फ्रेंड्स कवि राजा श्यामल दास। देन फ्रेंड्स इस पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन का आपके सही उत्तर था लाल, पीला तथा नीला, ये तीनों ही आपके प्राइमरी कलर होते हैं। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्रतापगढ़ की। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके चंडीगढ़। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके नमक सत्याग्रह से। देन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था US इलेक्शन को लेकर, तो इसमें यहाँ पर डेट पूछी गई थी, यहाँ पर से उत्तर होगा 3 नवंबर 2020। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था आपसे श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके टोंक जिले में। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया जंबो जी द्वारा कितने नियम दिए गए, जो बिश्नोई समाज के गुरु हैं जंबो जी भगवान हैं उनके द्वारा यहाँ पर टोटल 29 नियम दिए गए, 20 और 9 नियम दिए गए। देन फ्रेंड्स नील दर्पण के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके दीन बंधु मित्रा। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था केलम देख कौन थी, तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर होगा गोगा जी की पत्नी। देन फ्रेंड्स आपसे इसी प्रश्न पेपर में प्रश्न पूछा गया 2020 ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपके रसिया में यानी रूस में। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था प्रथम ऊंट हॉस्पिटल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके दुबई में। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था झुंझार जी का संबंध किस जिले से है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके हरियाणा के सिरसा जिले से। देन फ्रेंड्स तेजस एक्सप्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका रूट क्या है, तो मैं आपको बता दूं तेजस है जो अहमदाबाद जंक्शन से मुंबई सेंट्रल तक चलती है। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा 15 मार्च को। देन फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था कि भारत में GST की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा आपके 1 जुलाई 2017 से। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपको करंट से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया था कि मैत्री 2019 किस शहर में आयोजित किया गया, तो मैत्री 2019 एक सैन्य अभ्यास था फ्रेंड्स जो कि आपके भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। यही क्वेश्चन था आपके कि किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ, तो भारत और थाईलैंड के बीच, और इसका आयोजन जो किया गया वो मेघालय में किया गया। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि जावर माइंस में किसका उत्पादन या उत्खनन होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके सीसा, जस्ता, चांदी का। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया था होम रूल आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में हुआ, यहाँ तो ये पूछा गया कि कब हुआ या किसके नेतृत्व में हुआ, तो सही उत्तर होगा आपके 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस स्थान किस जिले पर है, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में। देन फ्रेंड्स इसी प्रश्न पेपर में प्रश्न पूछा गया नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके कृष्णा नदी पर। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी के साथ फ्रेंड्स इसी पेपर में यानी सेकंड शिफ्ट के पेपर में प्रश्न था भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कैसे होता है, तो फ्रेंड्स थर्मल पावर से यानी ताप से उष्ण से थर्मल ये विद्युत उत्पादन आपके होता है। सेकंड यहाँ पर कोयला रहेगा, सही उत्तर होगा आपके थर्मल पावर से यानी ताप से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था चीन में कोरोना की शुरुआत किस शहर से हुई, तो इसका सही उत्तर आप सभी ने किया होगा वुहान शहर से, क्योंकि इस कोरोना ने तो सबका यहाँ पर नाक में दम कर रखा है। देन फ्रेंड्स प्रश्न था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सही उत्तर होगा आपके 24 अप्रैल को। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा आपके 11 जुलाई को। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो सेकंड शिफ्ट के थे। यदि आपने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यदि कोई क्वेश्चन आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा। यदि कोई भाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखना चाहता है या फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे के आया और इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ढूंढ रहा है, तो उसके लिए अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपकी इच्छा, यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन अब से स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन दोनों शिफ्ट के जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है पूरे पेपर को यहां पर कल दोपहर तक आपको चैनल जॉबलक पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको बीएड
PTT 2020 की प्रत्येक छोटी से छोटी सूचना का वीडियो मिल सके। और यदि वीडियो को अभी स्किप कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ऐसे ही मत जाइएगा। चलिए देखते हैं जो फर्स्ट इतने क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार से थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न था अरुणाचल प्रदेश की दर्रा का नाम, तो इसका सही उत्तर था आपके सेला दर्रा। देन फ्रेंड्स राजस्थान में पशुधन में कौन सा पशु टॉप पर है, तो बकरी। देन फ्रेंड्स सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख में। देन फ्रेंड्स इसी पेपर में क्वेश्चन था आपके भोजन करने की इच्छा रखने वाला, तो जिगत्सा इसका सही उत्तर था। देन फ्रेंड्स बांग्लादेश की मुद्रा, इसका सही उत्तर था आपके टका। देन फ्रेंड्स प्रश्न था हाल ही में कौन सा स्थान भारत तथा चीन के मध्य चर्चित रहा, तो ये था गलवान घाटी। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था 1, 2, 4, 7 इस सीरीज का अगला नंबर क्या होगा, तो 11 इसका सही उत्तर था आपके। देन फ्रेंड्स था पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो परि प्लस आवरण यर्ण संधि थी इसमें। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर था आपके जीवन। देन फ्रेंड्स प्रश्न था सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर था आपके शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स प्रश्न था हस्तलिखित का समास विग्रह होगा, तो हस्त से लिखित। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था गिर नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर था एशियाटिक लॉयन के लिए। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी इसका सही उत्तर था आपके। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था भारतीय प्रदूषण केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर था नई दिल्ली में। देन फ्रेंड्स प्रश्न था स्वराज पार्टी का संबंध है मोतीलाल नेहरू तथा CR दास से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो सही उत्तर था आपके हरियाणा में। देन फ्रेंड्स प्रश्न था कथक कथकली तथा भरतनाट्यम कर्मशः संबंधित है, तो यूपी केरल तथा तमिलनाडु से कर्मशः ये संबंधित हैं। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था इसी पेपर में आपके सर्वप्रथम किस देश ने सूचना का अधिकार प्रारित किया, तो सही उत्तर था आपके स्वीडन ने। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था पेनल्टी स्ट्रोक संबंध रखता है किस खेल से, हॉकी से, सही उत्तर था हॉकी से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था जिस प्रकार हार्ट का रिलेशन ब्लड से होता है उसी प्रकार लंग्स का रिलेशन होता है, तो ऑक्सीजन से। देन फ्रेंड्स प्रश्न था क्रिप्स मिशन भारत में किसने भेजा, तो सही उत्तर होगा आपकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था केरला के रवि वर्मा किस चित्र से संबंधित है, पेंटिंग यानी चित्रकारी से संबंधित है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था फिल्म बी टेलीविजन के लिए भारत का शहर, तो सही उत्तर होगा आपकी पुणे। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत, तो सही उत्तर होगा आपके मेवाड़ से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो सही उत्तर था यहाँ पर रिकेट्स। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था विपिन रावत का संबंध, तो रक्षा प्रमुख है अभी विपिन रावत। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था ओणम त्यौहार मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा आपके इसके केरल में। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था राजस्थानी चित्रशैली का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ, तो उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़ से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था आपके यहाँ पर इस पेपर में फरवरी 2020 में यूनेस्को ने किस जिले को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया, तो सही उत्तर होगा आपके जयपुर जिले को। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था खाने के सोडे का रासायनिक नाम, तो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था बिस हॉलमार्क में कौन सी वस्तु से संबंधित है, तो बिस हॉलमार्क आपकी संबंधित है सोने के आभूषण से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो सही उत्तर होगा इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था रेगिस्तान का जल महल कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा बाड़मेर में। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था काजरी केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके जोधपुर में। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था फर्स्ट शिप के पेपर में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो सही उत्तर होगा इसका मछली से। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, सही उत्तर होगा 7। देन फ्रेंड्स प्रश्न था मुगल संतलत का अंतिम शासक, तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था राजस्थान से राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, तो सही उत्तर होगा इसका 10। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था भारत में कुल केंद्रशासित प्रदेश, सही उत्तर होगा 8। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2019, तो दिया गया अमिताभ बच्चन को। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन था अंतिम भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो सही उत्तर होगा आपके लॉर्ड कैनिंग। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट किसी भी शिफ्ट का एग्जाम दिया, आपको कोई इसके अलावा क्वेश्चन याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी इन दोनों प्रश्न पत्रों का जो संपूर्ण हल है वो आपको कल दोपहर तक किसी भी हालत में चैनल जॉब लग पर उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। जय हिंद, जय भारत।